हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल कमांडो की बेटी। तो आज है अमावस्या और हम जा रहे हैं मुकाम, जहाँ पे जाम्बो जी का मंदिर है। हमारे गुरु विष्णु समाज के गुरु जाम्बो जी, उनका मंदिर है। तो वहीं हम जा रहे हैं, मैं, मेरे भाई, भाभी, मेरी सिस्टर, हम सब जा रहे हैं। अंशी भी जा रही है, तो ये दोनों सिस्टर जा रही है। और वहाँ पे ये भाभी खड़े हैं, अंशी को लेकर घूम रहे हैं। वहाँ पे भाई भी है, हम सभी जा रहे हैं मुकाम। तो गाइस, हम सबसे पहले पहुंचे हैं जांगलू। ये जाम्बो जी का पवित्र स्थल है। यहाँ पर जाम्बो जी के कुछ वस्त्र हैं और कड़ा जो यहाँ पे रखे हुए हैं। बहुत पवित्र धाम है, इतना अच्छा मंदिर बना हुआ है, देखिए बहुत बड़ा मंदिर है। तो अभी हम पहले यहाँ बाहर की साइड हवन हो रहा है, यहाँ पे हम जाएंगे और घी और खोपरा चढ़ाएंगे इस हवन में। जांगलू जाने के बाद हम पहुंच गए हैं समराथल। यहाँ पे जाम्बू जी का मंदिर है, जहाँ पे जाम्बू जी ने बिश्नोई समाज की स्थापना की थी, 29 नियम बताए थे। और गाइस, यहाँ से देखिए कितना अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे, हरियाली, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी करके समराथल दौरा बना हुआ है, वहाँ पे लेके जाएंगे। बहुत ऊंचा रेत का एक टीला है जिसे समराथल दौरा बोलते हैं, और सभी लोग थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके ऊपर डालते हैं, तो यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता है। हमने मिट्टी ले तो ली है, देखते हैं कैसे ऊपर पहुँच पाएंगे, चल पड़े हैं अभी तो। और रास्ते में भाभी और बुरी तरह थक गए हैं, धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। गुरु चम्बेश्वर भगवान की कृपा से हम पहुंच गए हैं और मिट्टी यहाँ पे हमने डाल दी है। ये कुछ लोग अभी मिट्टी लेने जा रहे हैं नीचे की तरफ से, वहाँ से मिट्टी लेकर फिर दोबारा ऊपर आएंगे। तो ये वहीं का केड़ी है जिसके नीचे बैठकर चम्बेश्वर भगवान जी ने तपस्या की थी। और समराथ दौरे पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो सीधा रेत से बना हुआ कच्चा रास्ता और एक ये सीढ़ियों जहाँ से भी हम जा सकते हैं। अगर सीढ़ियों से जाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम पहुंच गए हैं मुकाम, वहाँ पे हम धर्मशाला में नहा धोकर रेडी हो गए, अब हम जाएंगे मंदिर। ये मुक्तिधाम मुकाम है जहाँ पे जामो जी की समाधि बनी हुई है। तो हमने भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं, उसके बाद हम इधर उधर घूम रहे हैं। अंशी का खेल रही है और मैं इसके पीछे घूम रही हूँ, कहीं ये गुम हो ना हो जाए इधर उधर, क्योंकि भीड़ थोड़ी ज़्यादा है वहाँ उसके टाइम, तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है।
ये यहाँ पे बहुत बड़ा हवन कुंड बना हुआ है। इसमें सिर्फ घी और खोपरे से हवन किया जाता है। सभी लोग यहाँ पे घी और खोपरा डाल रहे हैं इसके अंदर। तो अभी हम पहुंच गए लाला सर साथरी। यहाँ पे भी जाम्बू जी का मंदिर बना हुआ है और अभी हम जाम्बू जी के दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए हैं। मैं तो वीडियो बनाने में बिजी हूँ और इधर भाई भाभी कुछ फोटो खींचने में बिजी हैं। और ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे पार्क बने हुए हैं और धर्मशाला भी है और खाने की व्यवस्था भी है, तो हम यहीं पे खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मुझे मेरे प्यारे प्यारे सुंदर से ब्यूटीफुल से सब्सक्राइबर मिल गए और जिन्होंने मुझे ये फूल दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके। न्यू सब्सक्राइबर है ये मेरे, कोई बात नहीं। ये कंकड़ी वृक्ष है, यहाँ पे भी लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और एनसी का यहाँ पे प्रसाद खाने में बिजी है। बोल रही है मम्मा प्रसाद प्रसाद, तो मैंने कहा चलो खा ले थोड़ा सा यहाँ से लेके, क्योंकि बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं। ने यहाँ से थाली ले ली है और खाना खाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे घर।